रोज एक तरफ सूरत शहर में करोड़ों रुपए के विविध प्रकल्पों का खात मुहूर्त और लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी जी सूरत में आगमन को लेकर शहर वासियों में एक अनोखा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था। पीएम मोदी जी की एक झलक पाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन सूरत के इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी जी की उपस्थिति में आयोजित प्रोग्राम को लेकर कुछ लोगों में निराशा व्याप्त हुई है। आपको बता दें कि सूरत के इंडोर स्टेडियम के बाहर पीएम मोदी जी के काफी सारे फैंस और काफी सारे वीआईपी और वीवीआईपी पास धारक लोगों को स्टेडियम के बाहर ही ठहराया गया। उन सभी लोगों को स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके मद्देनजर वहां उपस्थित सभी लोगों में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा था। वहां उपस्थित पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी हाउसफुल हो गई थी, इसलिए उन सभी लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी गई। लेकिन बताया जा रहा है कि अगर इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी फुल हो गई तो फिर कैपेसिटी के बाहर जब पास इशू क्यों किए गए, इसमें किसकी लापरवाही है, इस बात पर अनेक सवाल खड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए कि इन एंट्री पास मैनेजमेंट में किसकी लापरवाही है, जिसके कारण करीब 2 से 3 हजार लोग इंडोर स्टेडियम के अंदर जाने से वंचित रह गए, जिसकी वजह से बाहर उपस्थित सभी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। वीआईपी पास है। आप कितने बजे से यहाँ पर रेडी? 3 बजे से। आपका क्या कहना है इस बारे में? बस हमारे हमारा पेंटिंग और मोटरसाइकिल को भेजने का है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही? पब्लिक की और व्यवस्था की, बहुत सारे मैनेजमेंट नहीं है, मैनेज वालों की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 3 बजे से आए हैं और हम लोगों को बोले से पास दिया गया है कि आप युवा हो, आपको जाना चाहिए। हम 3 बजे से आके वेटिंग में है, इतने इतने बच्चे बैठे हैं वहाँ पे और हम लोग बाहर। आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? मैनेजमेंट की। अगर बच्चे अंदर है तो युवा जनरेशन या क्या करेंगे? बच्चों को, बच्चे से ज़्यादा युवा इम्पोर्टेंट है या बच्चे इम्पोर्टेंट है? और आपको क्या कहना है हमारी चैनल के माध्यम से? बस यही कहना है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है ना।